काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको वहाँ से सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो सर्विस निकालती है वो बहुत ज़्यादा, जितने बच्चे बढ़ते हैं उतने तो सर्विस नहीं निकाल पाती है सरकार, और उनमें से कुछ जो बच्चे सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो क्या हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते कुछ कारणों से। चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे उसकी मेहनत में कमी रह गई, चाहे वो किस्मत से रह गया, चाहे उसका फलाना फलाना जो भी है कारण रह सकता है कुछ भी। तो काफ़ी बच्चे जो असफल रह गए ना, वो क्या सोचते हैं कि अब असफल तो क्या होगा जीवन में, अब हमें तो मेरा जो एक सपना था वो नौकरी लग नहीं था, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, एक्चुअल क्या होते हैं कि डिप्रेशन में चले रहते हैं, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। अब उनको यदि मान लो माइंड में ये बात बैठा ले वो लोग कि डिप्रेशन में जाने से आपको नुकसान होगा, किसी को आपको कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला ना, और किसी को फ़ायदा होने वाला है इससे। ये जो डिप्रेशन वाला जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ इसका जो भुगतान है वो सिर्फ आप ही झेलोगे। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि यदि आपने सच्चे मन से तैयारी की है और आपने अच्छे से तैयारी की है और आपने तैयारी करने के लिए समय दिया है, तो आपको यहाँ पर पैसे अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे यदि आपने सच्चे मन से काम किया। देखो मान लो नॉर्मली यदि बात करें तो प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग आपको सब्जेक्ट जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश मिल जाएगी, आपको मैथ्स मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, जीके मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगी आपको, हिंदी मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो लगभग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन होते हैं। तो हमेशा याद रखो, यदि आपने अच्छे से तैयारी की है और काफ़ी साल तक आपने तैयारी की है और आप सफल नहीं हुए हैं, तो इस बात से निराश नहीं होना आपको। क्यों? क्योंकि आप ये सोच लो कि यदि आपने सफल नहीं हुए तो इसके लिए भगवान ने आपने कुछ अलग लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि YouTube पर वे या मान लो ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में वही टीचर पढ़ा पा रहे हैं जो अपने मुकाम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और वो क्यों पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तैयारी तो की थी, उनका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार है ना। आज वो लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं वहाँ पर, कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी। भगवान ने नौकरी नहीं लगाई लेकिन नौकरी से ज़्यादा दे दिया उनको। तो हमेशा याद रखो कि यदि आप असफल हो जाओ, सर्विस आपके ना लगे, तो इस बात से आपको निराश नहीं होना है। यदि आप निराश हो गए तो फिर आप ये सोच लो कि कम्पिटिटिव वाले एग्ज़ाम से लाइन हुए हो गए हैं, वो दुनिया से ही बाहर हो गए आप, है ना। कंपटीशन की लाइन से आप बाहर तो हो गए, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है ना, वहीं से भी आप बाहर हो गए, क्योंकि आप में धैर्य नहीं है। धैर्य जो भगवान होता है या मान लो जो प्रकृति होती है ना हमारी, वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि इंसान में एबिलिटी हमें खुद को क्या है, क्या करनी होती है, खोजनी पड़ती है। तो हो सकता है हम लोग क्या करें, हमारा नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो तो हमारी दूसरी एबिलिटी क्या है, यदि पढ़ाने की एबिलिटी है तो पढ़ाओ, ठीक है ना। और आपको अच्छे से यदि पढ़ाना आता है तो हो सकता है कि आप नौकरी यानी एक सर्विस जो आप सोच रहे थे उससे काफ़ी गुना ज़्यादा आपकी अर्न कर सकते हो या आप पैसे कमा सकते हो, आप ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस बात से निराश नहीं होना है। तो इसलिए आप पहले तो ईमानदारी से तैयारी करो। आप यदि मान लो नहीं लगते हो, आप तैयारी करके नहीं लगते हो, तो हमेशा याद रखो आपको टीचिंग लाइन में, आपके पास यदि अच्छी शिक्षा है तो आपको ऐसे बहुत सारे क्या है मौके मिलेंगे कमाने के, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा याद रखो जो शिक्षा होती है ना, वो सिर्फ नौकरी नहीं देती है, वो आपको अच्छा इंसान भी बनाती है। तो हमेशा याद रखो, शिक्षा इस तौर पर इस वजह से प्राप्त मत करो कि आप सिर्फ आपको सर्विस लगनी है, सर्विस लगने के बाद शिक्षा का कोई महत्व नहीं। नहीं, शिक्षा इसलिए प्राप्त करो कि आप अच्छे से कमा सको, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक अच्छा इंसान बन सको आप। तो ये आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि आप जीवन में कभी असफल जो शब्द है वो कभी याद नहीं रखोगे, क्योंकि आप जब भी आप जिस टारगेट है आपका टारगेट प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी आपके पास माइंड में रहेगा कि सफलता के रास्ते हमारे पास ये रास्ते और पड़े हैं, तो इनको फॉलो करो आप।
और अपने सफलता के जो भी आपके, क्योंकि सबका जो लक्ष्य होता है ना वो पैसे कमाना ही होता है लास्ट में। चाहे नौकरी वाला जो नौकरी करे वो पैसे कमाने, अपनी सेफ ज़िंदगी करने के लिए। कुछ कुछ जो बंदे ऐसे होते हैं जिनको जज्बा होता है, जैसे पुलिस की नौकरी हो गई, सेना की होती है, उसमें अफसर बनने, किसी किसी को जज्बा होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि सही मायने में यदि देखा जाए तो लगभग के देखो आपका सबका ज़्यादातर यही है मायना कि अपनी सेफ ज़िंदगी हो जाए, इसलिए सर्विस लगता है। तो सर्विस आप यदि मान लो आप नहीं लगे तो असफल हो गए, मान लो सर्विस ना लगने से, तो आप हमेशा याद रखो आप असफल नहीं हो, आप सफल हो। आप में आपके अंदर टैलेंट है, आपने यदि सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है तो फिर से उठो उसी सब्जेक्ट को, लोगों को यानी बच्चों को पढ़ाओ और अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। आज YouTube पर देख लो, चाहे अदर का बहुत से इंस्टीट्यूट है जो आपको बहुत लाखों रुपए सैलरी देते हैं या हज़ारों रुपए सैलरी देती है, वहाँ पर जाओ अपना टैलेंट दिखाओ, हो सके कि आपको नौकरी से ज़्यादा मिल जाए। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप यदि असफल शब्द होता है उसे त्याग दोगे तो हमेशा बहुत सारे सफलता के रास्ते आपके